फ्रेंड्स, तो हमने पिछली क्लास के अंदर अरेबिक मेहंदी डिजाइन बनाना सीखी थी जो आपको अच्छी लगी थी। तो इस बार मैं आपको बैंगल मेहंदी डिजाइन बनाना सिखाऊंगी एकदम सिंपल तरीके से, जो आप खुद बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले फ्लावर बनाते हैं। जैसा फ्लावर आपको अच्छा लगे आप वैसा फ्लावर बना सकते हैं। तो मैं सिंपल सा फ्लावर बना रही हूँ, ये देखिए इस प्रकार से। आप कैरी से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फ्लावर से भी कर सकते हैं, तो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो ये मैंने फ्लावर्स बनाया है सिंपल सा। अब हम कैरी बनाएंगे। इस प्रकार से अब हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे। सिंपल सी फिलिंग कर रही हूं मैं, ताकि आपको इजी रहे बनाने में बैंगल मेहंदी। ये देखिए, अब हम ऐसे बनाएंगे। मैंने जो अरेबिक में बनाया था वही बनाया है मैंने सेम, बस इसके अंदर हम बैंगल का डिजाइन देंगे इसमें गोल टाइप से। ये देखिए इस प्रकार से। अब हम दूसरी कैरी बनाएंगे इसके पास में, ये वाली। इसकी भी फिलिंग करेंगे, इसमें चेक्स बना रही हूं मैं। अब हम फिर से फ्लावर बनाएंगे इस जगह पे, या तो सेम वाला ही फ्लावर बना लीजिए जो मैंने सबसे पहले बनाया है, या फिर दूसरा फ्लावर बना सकते हैं हम। तो मैंने वही फ्लावर बनाया है ताकि आपके लिए आसानी रहे। ये देखिए इस प्रकार से। और अब हम फिर से कैरी बनाएंगे, देख रहे हैं। इसके अंदर भी हम चेक्स बनाएंगे जैसे हमने इसमें बनाया है। अब हम इधर भी कैरी बनाएंगे, ये देखिए।
मैंने कुछ डिफरेंट यूज़ में नहीं लिया है, इसमें सिर्फ ओनली फूल और कैरी से ही हम बैंगल डिज़ाइन बना रहे हैं। ये देखिए इस प्रकार से हम इसमें फिलिंग कर रहे हैं। मैं सिर्फ यही दो फिलिंग यूज़ में लूँगी इनके अंदर, ताकि आप इजी तरीके से बना सकें। तो ये अपनी पहली हो गई है डिज़ाइन। तो अब हम दूसरी इसी को इस साइड से बनाएंगे, इधर की साइड से फ्लावर बनाएंगे सबसे पहले। यही चीज़ हम ये इस साइड से बनाई है हमने, तो हम अब इस साइड को इधर से बनाएंगे, पूरी सेम ही होगी ये। तो सबसे पहले फ्लावर बना रही हूँ मैं। ये अपना फ्लावर बन गया है, तो मैं कैरी बनाऊंगी। अब इसके अंदर फिलिंग करूंगी। देखिए आप देख सकते हैं मैंने कोई दूसरी चीज यूज में नहीं ली है, सिर्फ ओनली कैरी और फूल ही यूज में लिया है। अब हम ये दूसरी वाली कैरी बनाएंगे, या तो हम ये वाली बना सकते हैं या फिर इसके जैसी ही सेम इस प्रकार से हम ये वाली भी बना सकते हैं। जो आपको अच्छी लगे आप वो वाली बना लेना इसके अंदर। मैंने फिलिंग भी सेम ही यूज में ली है, आप दूसरी टाइप की भी कर सकते हैं वैसे तो। देखिए अब हम फिर से फ्लावर बनाएंगे। आप देख रहे हैं मैंने वही फ्लावर बनाया है जो मैंने आपको क्लास के अंदर सिखाया था, फर्स्ट क्लास के अंदर। ये देखिए अब हम कैरी बनाएंगे फिर से। इसमें भी हम चेक्स बनाएंगे। अब हम इधर भी एक कैरी बनाएंगे इस प्रकार से, इसके अंदर दूसरी वाली फिलिंग करेंगे यही। अब हम दूसरी बना रहे हैं। अब हम बीच में फ्लावर बनाएंगे एक, यही वाला फ्लावर बनाएंगे हम। मैं इधर की साइड कैरी बनाऊंगी एक। इसमें हम चेक्स बनाएंगे।
अब हम ये इधर की साइड भी बनाएंगे सेम ही कैरी। इसमें भी हम चेक्स बनाएंगे। तो फिर अब हम सेम ही बना रहे हैं इसके जैसे। अब हम इधर कैरी बनाएंगे। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। अब हम फूल बनाएंगे फ्लावर। इस डिजाइन को हम अंगूठे के ऊपर लेके जाएंगे। आप देख रहे हैं, फिर से कैरी बनाते हैं। अपनी कोन को हम बार बार में साफ करते रहेंगे ताकि अच्छे से डिज़ाइन बने, क्योंकि इसके ऊपर एक्स्ट्रा मेहंदी लग जाती है, इसलिए हम कोन को बार बार में साफ करते हैं। अब मैं फिर से, मैंने सेम वही डिज़ाइन यूज में लिए, आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे भी हम फ्लावर बनाएंगे। सेम ही हम रिपीट किए जा रहे हैं। ये सबसे सिंपल वाली बैंगल डिजाइन है। अब हम इसको अपनी फिंगर्स के ऊपर ले जाएंगे। तो हम फ्लावर बनाते हैं सबसे पहले।
ये हमने फ्लावर बना लिया। हमने कुछ डिफरेंट यूज में नहीं लिया, इसमें आपको आसानी होगी ये डिज़ाइन बनाने के अंदर। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस डिज़ाइन को, ये बहुत प्यारी लगती है हाथों के ऊपर। अब फ्लावर बनाएंगे। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये डिज़ाइन। सिर्फ ओनली 3 चीज़ों से हमने बैंगल डिज़ाइन बनाई है। अब हम फिंगर्स की डिज़ाइन बनाएंगे, तो फिंगर्स की डिज़ाइन भी मैं आपको सिंपल सी ही बनाऊंगी। ये मैंने फ्लावर्स बनाए हैं, तीनों फिंगर्स के ऊपर हम यही फ्लावर्स बनाएंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी ये वाली डिजाइन बनाएंगे। तो ये अपनी बैंगल डिजाइन बन गई है, आप देख सकते हैं। देखिए मैंने बैंगल वाली डिजाइन बनाई है, ये राउंड के अंदर बनती है। जैसे जैसे हम ऐसे राउंड के अंदर ले जा सकते हैं इस डिजाइन को, ये देखिए। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, हम आगे की क्लास और स्टार्ट करेंगे आगे।
बाय।